कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हालांकि चरणजीत चन्नी नूं मुबारकबाद भी दित्ती है, पर भविख की रणनीति किदां वेख रहे हो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किहड़ा फैसला करनगे? पर कांग्रेस ने सीधा मुख्यमंत्री ऐलानता एक दलित भाईचारे का चेहरा अजिहे विच सियासी तौर पर एक वड्डा मुद्दा जिहड़ा कांग्रेस ने जिहड़ा हैगा वह हल करता कि कल जी कैबिनेट की नवी टीम तैयार होनी है उस दे विच चेहरियां की तब्दीली की उम्मीद है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिस हिसाब नाल घेरिया जांदा सी वो सारे मसले उसी तरह पैक हो के हुण झोली दे विच ने चरणजीत चन्नी होना दे, वो सारे वड्डे मसलियां दा जवाब हुण चरणजीत चन्नी होना तो मंगिया जाया करेगा। सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का लाइव कपड़ छाण का खास प्रोग्राम लैके हाजिर होया। इस प्रोग्राम दे विच हर रोज़ी तरह चर्चा अज भी पंजाब के खास मसलियां ते रहेगी, पर पंजाब के पिछले दो दिन काफ़ी वड्डे सियासी उथल पुथल दे विच रहे ने। पहला पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अस्तीफा दे दिंदे ने, उह साबका मुख्यमंत्री हो गए, तो उस तो बाद कल नवे मुख्यमंत्री पंजाब नूं मिल जाते ने, तो वह ने चरणजीत चन्नी नाम बहुत लंबा समा चले, सुखजिंदर रंधावा चर्चा च रहे, सुनील जाखड़ चर्चा च रहे, बहुत सारिया चर्चावां चलिया, पर आखिरकार मोर चरणजीत चन्नी के नाम के उत्ते लगती है। तो अज चरणजीत चन्नी तकरीबन 11 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री के वजों सहुं चुक लैणगे, तो उस तो बाद तकरीबन आने वाले 3 महीनों का समा जो कार्यकाल है वह बचिया है चरणजीत चन्नी होना दे कोल जो मुख्यमंत्री दे वजो पंजाब दे विच उह बताउणगे। सो इस दे उत्ते गलबात अज दे प्रोग्राम दे विच विस्थार दे नाल करांगे कि आखिरकार चरणजीत चन्नी किस रणनीति ते काम करनगे, नवजोत सिंह सिद्धू होना दी की रणनीति होएगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह होना दा चरणजीत चन्नी होना नूं मुबारकबाद देना इस दे की मायने ने, इन सारिया चीज़ों के उत्ते गलबात जी अज के प्रोग्राम के रहेगी। साढ़े नाल चंडीगढ़ तो मौजूद ने सीनियर पत्रकार सुरेंद्र डल्ला जी, डल्ला साहब सब तो पहले स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डल्ला साहब सब तो पहला तो जो चर्चा है वही सी कि आखिरकार किहो जिहा तुसीं किदां वेख रहे हो, जिस हिसाब के कल का दिन रहा एन एंड तक आँदे 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 क्या सराइया इस कदर बदलियां कि सुखजिंदर रंधावा तो एकोदम फैसला पलटी बच के चरणजीत चन्नी आ जाता है? देखो असल दे विच की है, मैनू ही लगता है कि कल सारा दिन है जिहड़ा वह मीडिया के अंदाजियां का दिन रहा। अक्सर जदों कोई इस तरीके का वड्डा दिन हुंदा है तो जिहड़े मीडिया के साथी है वह अपने अपने हिसाब के नाल रिपोर्टिंग करते हैं, और अगर किसी भी पार्टी वालों किसी ऑब्जरवर वालों किसी प्रधान वालों किसी के भी नाँ का जिक्र किसी भी रूप चाहता है तो मीडिया नूं लगता है कि शायद वह नाम प्रवान हो गया तो खबरां शुरू हो जांदियां ने, जिवें कल भी शुरू हुई। असल च पूरी एक प्रक्रिया है, और मैं एक दिन होर पिछे जाऊंगा कल तो, अज 20 तरीक है, कल 19 तरीक सी और परसों 18 तरीक सी। 18 तरीक रात को CLP की मीटिंग हुई, कांग्रेस के लैजिसलेटिव मैंबरस ने जिहड़े विधायक ने उन्हां दी मीटिंग हुई, उस मीटिंग दे विच नवजोत सिंह सिद्धू भी सी, उस मीटिंग दे विच लगभग 78-79 MLA मौजूद सी, जिहड़े बाद दे विच कांग्रेस पार्टी च शामिल होए वह भी मौजूद सी, हालांकि वह मीटिंग का हिस्सा नहीं सी पर वह पंजाब कांग्रेस भवन च मौजूद सी। उस मीटिंग च गगन जी सब ने रेजोल्यूशन पास किया और लिख के दे दिता सोनिया गांधी जी नूं हाई कमांड नूं कि हाई कमांड जिहड़ा भी फैसला करेगी बतौर मुख्यमंत्री चेहरा वह सानूं सारयां नूं प्रवान होएगा। सो हाई कमांड ने बतौर मुख्यमंत्री चेहरा प्रवानगी दे लई हाई कमांड तो मंग कीती पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रधान सने सारे विधायकों ने। सो इस करके जब तक कांग्रेस हाई कमांड वालों सहमति तो बाद कोई नाम नहीं सी आना तद तक किसी नूं भी मुख्यमंत्री नहीं सी ऐलानिया जा सकता। और ठीक शाम नूं लगभग 5:30-6 बजे के करीब मेरे अंदाजे मुताबिक हरीश रावत उन्होंने ट्वीट किया कि हाई कमांड ने हरी झंडी दे दिती है, एक नाम सुजैसट किया, क्योंकि एक होटल दे विच मौजूद सीगे ऑब्जरवर भी और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान भी, और दिल्ली दे विच राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी और होर जिहड़े कांग्रेस के वड्डे आगू ने राहुल और सोनिया गांधी जी की टीम दे वो सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गलबात कर रहे सी। सो इस करके इको नाम के उत्ते सहमति बनी सी, वो सी चरणजीत चन्नी जी का नाम,
और जदों हरीश रावत उन्होंने ट्वीट करके चरणजीत चन्नी उन्हों का नाम ऐलानिया तो फिर वो मीडिया के आया और फिर मीडिया ने उस नाम को जग जाहिर किया। असल बाकी जिहड़े सारे नाम सी वह चर्चावां दे विच सी, वह मीडिया दीयां सुरखियां दे विच सी, वह अधिकारिक तौर दे उत्ते ऐलाने नहीं सी गए। सो जद तक किसी नूं भी अधिकारिक तौर पर ऐलानिया नहीं जाता तद तक वह मीडिया का अपना अधिकार खेत्र है अंदाज़ियां दा अनैलिसिस करन दा। सो इस करके मैनूं लगदा इहदे विच कोई दिक्कत नहीं सी और स्पष्ट तौर पर चरणजीत चन्नी पहली वारी पंजाब दे विच एक दलित चेहरा मुख्यमंत्री दे तौर पर आया, पढ़िया लिखिया दलित चेहरा है और पंजाब च लगभग 32-33-34% साडा भाईचारा है, दलित भाईचारा है और बहुत सारिया सीटा ने जिहड़ियां राखवीकरण के तहत आउंदियां ने। लगभग मैं एक अंदाजा लावां तो 117 सीटा का एक वड्डा हिस्सा 33-34 सीटा सीधे तौर पर राखवीकरण से आउंदियां ने। हो सकता मेरी फिगर एक्यूरेट ना होवे, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे अंदाजे मुताबिक 34 सीटा तो है। हुण इस तो अलावा बाकी सीटा भी ने साडियां, सारिया सीटा तो सारिया तरह के भाईचारे ने और पहली बारी दलित चेहरा मुख्यमंत्री आया है और उदों जदों एक सियासी मुद्दा बन गया पंजाब च, बीजेपी वालों इशारा होया कि असी दलित मुख्यमंत्री बनावांगे, आम आदमी पार्टी ने पिछली बारी किया असी दलित उप मुख्यमंत्री बनावांगे, हरपाल चीमा जी दलित भाईचारे नाल आउंदे ने साडे भरा, उन्हां नूं किया गया कि असी तुहानूं उप विरोधी धिर दा लीडर बनाया, दलित चेहरा बनाया। पूरी आम आदमी पार्टी ने गल की, अकाली दल ने कहा असी भी दलित भाईचारे चो उप मुख्यमंत्री लियावांगे, बसपा नाल समझौता होया, पर कांग्रेस ने सीधा मुख्यमंत्री ऐलानता एक दलित भाईचारे का चेहरा। अजिहे विच सियासी तौर पर एक वड्डा मुद्दा जिहड़ा कांग्रेस ने जिहड़ा हैगा वह हल करता और पंजाब च सारे भाईचारे का सुमेल कांग्रेस पार्टी है, सारे भाईचारियां चो वड्डे वड्डे अहुदियां ते कांग्रेस पार्टी दे विच लोग आए ने और मैनूं इह लगदा गगन जी इहदे नाल एक वड्डा हिस्सा समाज दा दलित भाईचारे दा उहनां नूं होर मौका मिलेगा अपनी गल खुल के रखण दे लई और अपनियां समस्यावां हल कराउण दे लई। और इस मुद्दे ते सियासत नहीं होनी चाहीदी, सारे भाईचारे सारे धर्म साडे सांझे ने और निश्चित तौर दे उत्ते एक नवीं शुरुआत पंजाब दे विच होई। बिल्कुल, सो यह जरूर है कि जिस हिसाब के नाल कल का दिन चलिया उस दिन बहुत चर्चावां दे विच रिहा डला साहब, हुण जिस हिसाब के नाल चरणजीत चन्नी आए ने, अज कहा जा रहा कि 11 बजे तकरीब वह मुख्यमंत्री दे अहुदे दे लई जिहड़ी सहुं चुक लैणगे। चरणजीत चन्नी दे शब्द सी कि इस तों बाद सहुं चुक समागम तों बाद पार्टी दे प्रधान अते पार्टी दी लीडरशिप जिहड़ी है वह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। कि कल नूं जिहड़ी कैबिनेट की नवीं टीम तैयार होनी है उस दे विच चेहरियां की तब्दीली की उम्मीद है? देखो निश्चित तौर दे उत्ते नवा मंत्रीमंडल कल 11 बजे सहुं चुकणगे चरणजीत चन्नी जी, प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू उत्थे नाल मौजूद रहेंगे, बिल्कुल नवी टीम बनेगी और निश्चित तौर दे उत्ते नवी टीम दे विच कुछ पुराने चेहरे भी होणगे, नवे चेहरे भी होणगे। नवी टीम तो अपने आप ही बन गई जदों चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री दे तौर ते आ गई और ये बहुत एक चंगा फैसला होया और अज दा दिन है जिहड़ा मैनू लगता वह पंजाब दे विच इतिहासिक दिन है जदों पंजाब दे विच नवे रूप दे विच संगठित रूप दे विच कांग्रेस भी सानू नज़र आएगी। कोई कांग्रेस च गुटबाजी धड़ेबंदी नहीं है, पुराने लीडर ने जिहड़े उहनां दे विचों भी कई लीडरां नू चंगे चंगे महकमे मिलणगे, नवे लोगों नू भी मौके मिल सकते हैं। सो मैनू इह लगता है कि बहुत उसारू और सुचारू दिशा दे विच आउंदे दिनां च पंजाब च फैसले होणगे और नवजोत सिंह सिद्धू उन्हों का भाषण होगा, 18 सूत्री जिहड़े नवे मुख्यमंत्री है उन्होंने लिए भी कांग्रेस की हाई कमांड का जिहड़ा 18 सूत्री एजेंडा है वह पहल रहेगा। 18 सूत्री एजेंडे ते पंजाब दे विच काम होएगा कि किवें असी 18 सूत्री एजेंडा लागू करना है और पंजाब च कांग्रेस नूं दोबारा लैके आना, इस पासे जिहड़ा काम है वह किया जाना है। बिल्कुल, सो जरूर है कि जिस हिसाब के नाल हुण कांग्रेस काम करेगी उसके उत्ते सारियां दी नज़र टिकणगियां क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिस हिसाब के नाल घेरिया जांदा सी वह सारे मसले उसी तरह पैक होकर हुण झोली दे विच ने चरणजीत चन्नी होणा दे, सारे वड्डे मसलियां दा जवाब हुण चरणजीत चन्नी होणा तों मंगिया जाया करेगा।
ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਹ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣਗੇ ਮਸਲੇ। 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ 'ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 5 ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣੂਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲੈਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਆਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
कैप्टन अमरिंदर सिंह होना दी जिहड़ियां इंटरव्यूज सी उन्हां इंटरव्यूज तो यह अंदाजा लगता सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आप कहा कि मेरे को कई ऑप्शन ने उन्हां गल्लां दे उत्ते जाया जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई होर फैसला जिहड़ा वह भी कर सकते हैं। पर आउंदे दिनों दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणी पंजाब की सियासत किवें विचरदे ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह की फैसला करते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिहड़ा सियासी रुख होगा वह किस रूप च होगा, की कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस च विचरणगे, की कैप्टन अमरिंदर सिंह सियासत तो रिटायरमेंट तो नहीं ले लैणगे पर उन्होंने नहीं लैनी क्योंकि वह उन्होंने अपनिया परसों इंटरव्यू कहता 18 तरीक शाम को कि मैं संन्यास नहीं लूंगा, मैं एक नवे टास्क से चैलेंज के तौर पर खड़ा। सो की फैसला होंगे आने दिनों दे कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका से भी सारे की नज़र होगी। सो यह जरूर है कि अज के दिन तो बाद चर्चावां बदलनगियां क्योंकि एक मुख्यमंत्री अज साबका हो गए ने, बीते दिन इस्तीफा दे के वह साबका हो गए, तो उधर दूजे पासे नवे मुख्यमंत्री पंजाब नूं मिल गए चरणजीत चन्नी के रूप के, नवी कैबिनेट मिलेगी अज, नवी टीम पंजाब की तुरेगी। सो उन्हां 18 मंत्रियों की टीम के कौन कौन होएगा ये बहुत वड्डे सवाल ने। सो किस तरह की टीम नवी आएगी ये 11 बजे तो बाद जिहड़ियां तस्वीर ने साफ हो जाणगियां। पंजाब के राज्यपाल अज 11 बजे चरणजीत चन्नी नूं सहुं चुकाउणगे कि उन्हां दे नाल नवां मंत्रीमंडल भी सहुं चुकेगा, ये सारिया चीज़ों के उत्ते चर्चा जिहड़ी इह अज 11 बजे तो बाद बनगियां। सो कुछ ही घंटे का समा हुण रह गया है जो इस प्रोग्राम नूं तुसीं सुन रहे हो, इस तो कुछ ही घंटिया बाद सहुं चुक समागम होना है। उस सहुं चुक समागम तो बाद सरकार की कारगुजारी किस तरह की होंगी उस उत्ते नज़र सब दियां रहणगियां। बेअदबी मामले का इंसाफ होवे जां फिर कोटकपुरा का इंसाफ होवे, ये सारे मसले बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते अगे आने वाले दिनों में सवाल के रूप के चरणजीत चन्नी होना की सरकार के अगे खड़े होंगे। सो इन सारिया गलों के उत्ते अगे भी प्रोग्राम के गलबात जारी रखेंगे, फिलहाल दी हुण इजाजत लवांगे। डिल्ला साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी का माहौल तो बहुत ज़्यादा जी। पहला तो हाईकमांड का धन्यवाद करते, थोड़ा भी पता जो देश अपना याद हो कद भी दलित चेहरे में सीएम नहीं तो लगाया था। ये पहली बार होया जी भी हाईकमांड ने भी दलित चेहरे में सीएम लगाया, तो यह जो चेहरे यह जो लगाया जोड़े काम करते बहुत ही ना उन्होंने उत्साह काम करते भी मैं हल्के अपने स्टेट के लिए मैं काम करा ज़्यादा तो ज़्यादा। तो काफ़ी जोश दिख रहा नौजवानों के लड्डू, नौजवानों से तो जोश है जी, उन्होंने आने होर ज़्यादा जोश आ गया नौजवानों से। किमें देखते हो रोपड़ जिले का चमकौर साहब हल्के का हूँ कि फायदा होने वाला क्योंकि मुख्यमंत्री अपना मिल गया हूँ हल्के? देखो जी मुख्यमंत्री बन तो पहला जो मंत्री ही कैबिनेट मंत्री ही उन्होंने हल्के दे पूरा जिन जान ला के रखे दिन रात काम जी, तो उन्होंने कोई कसरे नहीं छड़ी हुई हैगी हल्के जी, साढ़े हल्के सब तो पूरे पंजाब के हल्क नालों सब तो वध काम चमकौर हल्के का होया होया जी। कांग्रेस पार्टी शुरू तो ही सारे वर्गों कट्ठे नाल लेके चलन वाली पार्टी है, तो पंजाब दे विच पहली बार दलित सीएम चेहरा लाया गया, यह जहा चेहरा जो कि जमीनी पद्धर तो उठाया एक सियासत के तौर पर, उन्होंने पहला छोटे लेवल से सियासत की, फिर अपना खरड़ की सियासत की, फिर उसके बाद MLA बने, आज़ाद भी लड़े तो कांग्रेस पार्टी शामिल होए। अज असी आला कमान का कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का सोनिया गांधी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी जी पंजाब का सीएम अनाउंस किया, हल्के के विकास के लिए तो पंजाब के विकास के लिए एक यह नवे नौजवान चेहरे को दलित लाना, दलित चेहरे को सीएम लाना बहुत ही शलाघायोग कदम है, पंजाब की सियासत दे विच नवा कदम है। नौजवान च काफ़ी जोश पा देख रहा मैं, काफ़ी खुशी है। जब सीएम नौजवान होंदा तो नौजवानों नाल बहुत उत्साह नाल काम करता है, असी तो पिछले 15-20 साल तो उन्होंने जुड़े हुए हैं, तो पिछले 15 साल तो हर एक वर्ग नाल मिलजुल के काम करते हैं, तो नौजवानों का खास वो ध्यान रखते हैं, कोई भी नौजवान उन्होंने इस टाइम देखो किन्ने नौजवान आप मुहारे होकर आ रहे हैं, ये सब उन्हां दी प्यार दे सदका ही है कि वह नौजवानों नाल कितना प्यार करते हैं।